देख रहे बिहारी न्यूज और आपके साथ मैं हूं शिवानी। जैसा कि देखा जा रहा है कि बिहार में मानसून अभी भी सक्रिय है, कभी तीखी सूरज की किरणें तो कभी जोरदार बारिश ने लोगों को परेशान कर रखा है। बिहार में मानसून सक्रिय होने की वजह से कई जिलों में जोरदार बारिश हुई, जिससे कई जिलों की उनकी अपनी नदियां खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गई, जिससे लोगों को परेशानियां तो हुई ही, साथ में जान माल की क्षति भी हुई। खतरे के निशान से ऊपर बह रही नदियां गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, महानदी का जलस्तर कम हो ही रहा था कि एक बार फिर से नेपाल की बारिश से उफान पड़ाई कोशी नदी से बिहार के गांवों में पानी फिर से घुसाया। इसके साथ ही बिहार की कुल 8 नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, जिसकी वजह से इन नदियों से सटे क्षेत्रों में बाढ़ की परेशानियां टलने का नाम ही नहीं ले रही। इसके साथ ही पिछले 24 घंटे की वेदर रिपोर्ट देखें तो बिहार के पश्चिमी भाग और मध्य भाग में कई स्थानों पर, उत्तर पूर्व भाग में कुछ स्थानों पर और बिहार के दक्षिण पूर्व भाग में एक या दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हुई। वहीं माधोपुर में सबसे अधिकतम तापमान 36.9 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार इन दिनों ट्रफ लाइन फिरोजपुर, रोहतक, अलीगढ़, रांची, बालासोर, बंगाल की उत्तर पश्चिमी खाड़ी के ऊपर कम दबाव वाले क्षेत्र से होकर गुजर रही है। वहीं दूसरी ओर चक्रवाती परिसंचरण जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के आसपास फैला था, वह गुरुवार को कमजोर हो गया। इसके प्रभाव से बिहार में नमी युक्त पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी हवा का प्रभाव है। इसे अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के कुछ भागों में हल्की बारिश का अनुमान है। वहीं दूसरी तरफ अगले 3 दिन 24 जुलाई से 26 जुलाई तक राज्य के पश्चिमी और पूर्वी चंपारण, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व इलाकों के लिए मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो इन इलाकों में भारी बारिश और आकाशीय बिजली चमकने की संभावना है। बताया गया है कि जुलाई के अंत तक राज्य में अच्छी बारिश हो सकती है। चलिए अब देखते हैं बिहार के अन्य जिलों में अगले 3 दिन 24, 25 और 26 जुलाई को कैसा रहेगा मौसम का हाल। बात करें उत्तर पश्चिमी बिहार के जिले पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, सीवान, सारण और गोपालगंज की तो 24 जुलाई को इन जिलों के कई स्थानों पर गरज के साथ वर्षा होने की संभावना है, जिसके लिए मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। वहीं 25 जुलाई को मौसम सामान्य रहेगा और 26 जुलाई को इन जिलों के अधिकांश स्थानों पर गरज के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। बात करें उत्तर मध्य बिहार के जिले सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर और समस्तीपुर की तो यहां 24 और 25 जुलाई को मौसम सामान्य रहेगा। वहीं 26 जुलाई को अधिकांश जगहों पर गरज के साथ बारिश की संभावनाएं हैं। उत्तर पूर्व बिहार के जिले सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा और पूर्णिया जिले में 24 जुलाई को मौसम सामान्य रहेगा। वहीं 25 और 26 जुलाई को कुछ ही जगहों पर गरज के साथ बारिश होगी। बात करें दक्षिण पश्चिम बिहार के जिले बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, जहानाबाद और अरवल में चौबीस जुलाई को मौसम सामान्य रहेगा। वहीं 25 और 26 जुलाई को इन जिलों के कुछ जगहों पर बारिश की संभावनाएं हैं। दक्षिण मध्य बिहार के जिले पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय और लखीसराय की बात करें तो यहां भी 24 जुलाई को मौसम सामान्य रहेगा। कभी धूप तो कभी छांव की स्थिति बनी रहेगी। वहीं 25 और 26 जुलाई की बात करें तो इन जिलों के अधिकांश जगहों पर बारिश की संभावनाएं हैं। बाकी के जगहों पर मौसम शुष्क बना रहेगा। दक्षिण पूर्व बिहार के जिले कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और खगड़िया की बात करें तो 24 जुलाई को यहां भी मौसम सामान्य रहेगा। आमतौर पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। वहीं 25 और 26 जुलाई को इन जिलों के अधिकांश जगहों पर गरज के साथ तेज बारिश की संभावनाएं हैं। खासतौर पर राजधानी पटना और आसपास के इलाकों की बात करें तो आमतौर पर आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है, लेकिन फिर भी आने वाले 3 दिनों में राजधानी वासियों को गर्मी से राहत मिलने की संभावना नहीं है, जहां अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज की जा सकती है। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए वेदर अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।